हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी। तो इसमें हमने बंगाल शैली के बारे में जाना और बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है, चलिए। सुधीर रंजन खास्तगीर, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ है 1907 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1974 में, ठीक है। कब हुई है? 1974 में। तो इनका जन्म हुआ है 1907 में और इनकी मृत्यु हुई है 1974 में, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं थोड़े, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लखनऊ विद्यालय का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ विद्यालय का सूर्य कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ विद्यालय का सूर्य किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा जाता है, ठीक। या फिर कह सकते हैं, और लखनऊ कला विद्यालय का, लखनऊ कला विद्यालय का उगता हुआ सूर्य किसको कहा जाता है? सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आप जान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ है 24 सितंबर को, ठीक है। किस सन में? 1907 ईस्वी को। कहाँ पर? चटगांव, चटगांव बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए तो इनका जन्म हुआ है 24 सितंबर को। किस सन में हुआ है? 1907 को। कहाँ पर? चटगांव में। चटगांव का कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जान लेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 6 जून को। किस सन में? 1974 में, ठीक है। 1974 में कहाँ पर हुई है? कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, उपाधि। अब इनकी उपाधि के बारे में जान लेंगे। तो इन्हें जो उपाधि दी गई है, क्या? खास्तगीर, ठीक है। खास्तगीर इसका क्या मतलब होता है? हिंदू वैद्य, ठीक है। हिंदू वैद्य होता है, ठीक है। और इनको ये उपाधि किसने दी है? तो इनको ये उपाधि दी है मुगलों ने, ठीक। किसने दी है? मुगलों ने दी है, या मुगलों द्वारा प्राप्त हुई है, ठीक। मुगलों द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनके कला गुरु गुरु कौन है, ठीक। तो कला गुरु कौन है इनके? सबसे पहले हैं इनके कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक है। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। तत्पश्चात कौन थे? उसके बाद थे नंदलाल बोस, ठीक है। तत्पश्चात नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस, ठीक है, या फिर बसु कह सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, ठीक। शिक्षा, शिक्षा के बारे में इनकी कहाँ हुई है? तो शिक्षा इनकी हुई है विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में, ठीक। कहाँ पर? शांति निकेतन, ठीक है। शांति निकेतन, ठीक। कब? तो 1929 में। कब? 1929 में, ठीक है। चलिए इनके व्यवसाय के बारे में जान लेंगे कि ये क्या थे। तो ये व्यवसाय से ये क्या थे?
पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं, ठीक है। तो ये व्यवसाय से क्या थे, ये मूर्तिकार थे और चित्रकार थे और क्या थे, बांसुरी वादक थे। क्या थे, बांसुरी वादक, ठीक है। चलिए अब इन सबको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो इनका इनको सुधीर रंजन खासकीर का जन्म कब हुआ है, 1907 में हुआ है, ठीक। और इनकी मृत्यु कब हुई है, 1974 में, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि सुधीर रंजन खासकीर को क्या कहा जाता है, तो लखनऊ विद्यालय का सूर कहा जाता है। किसका, लखनऊ विद्यालय का सूर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, ये लखनऊ कला विद्यालय का उगता हुआ सूर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ विद्यालय का सूर कैसे कहा जाता है, आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो आप क्या लगाएंगे, सुधीर रंजन खासकीर, ठीक है। चलिए इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म हुआ है 24 सितंबर को, ठीक है। किस सन में, 1907 को। कहाँ पर हुआ है, चटगांव में हुआ है, और चटगांव आपका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में, ठीक है। तो इनका जन्म 24 सितंबर को 1907 में कहाँ पर, चटगांव में, चटगांव आपका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है 6 जून को, ठीक है। किस सन में, 1974 में, कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक है। इनको उपाधि, इनको उपाधि किसकी, खासकीर की प्रदान की गई, ठीक। तो ये खासकीर का मतलब क्या होता है, खासकीर का मतलब होता है हिंदू वैद्य, ठीक। और सुधीर रंजन खासकीर को ये उपाधि किसके द्वारा प्राप्त की गई है, खासकीर उपाधि, तो ये खासकीर उपाधि प्रदान की गई मुगलों द्वारा, ठीक है। इनके कला गुरु कौन है, तो सुधीर रंजन खासकीर के कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। उसके बाद कौन हुए, तो उसके बाद हुए नंदलाल बसु, ठीक है, नंदलाल बसु। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, इनकी शिक्षा हुई है विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक। कहाँ है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन से, ठीक। कब हुई है, 1929 ईस्वी में, ठीक, 1929 ईस्वी में। व्यवसाय से ये क्या थे, तो सुधीर रंजन खासकीर एक मूर्तिकार थे, क्या थे, ये आपको याद रखना है कि वह क्या क्या थे, तो एक मूर्तिकार थे, चित्रकार थे और बांसुरी वादक थे, ठीक है। चलिए तो आपको हम व्यवसाय को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे कि लखनऊ विद्यालय का सूर किसे कहा जाता है, ठीक, और उपाधि, ठीक, खासकीर उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ये मुगलों द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। कला विषय में, ठीक है, कला विषय में परास्नातक डिग्री, परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार, ठीक है, कौन थे, खासकीर हैं, ठीक, खासकीर हैं, ठीक। चलिए पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। खासकीर कला की शिक्षा के लिए, खासकीर कला की शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो खासकीर कला की शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, म्यूनिक गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे, म्यूनिक गए थे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खासकीर दून स्कूल देहरादून, खासकीर दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए, ठीक है, क्या किए गए, नियुक्त किए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1934 को, 1934 ईस्वी में खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई गई? प्रथम प्रदर्शनी इनकी लगी है इंडिया सोसाइटी लंदन में आयोजित हुई। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुई? लंदन में आयोजित हुई है। पहले आप लिख लीजिए अच्छे से, फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है, मैं आपको जितना लिखवा रही हूँ आप वो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट दिखाऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपके क्वेश्चन ईजली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप कलाकारों के लिए पढ़ने को बहुत है, मगर हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खास्तगीर मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं के रूप में वे जाने जाते हैं। साथ ही चित्रकार भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है? चित्रकार भी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1937 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर ने ठीक है, कांस्य कढ़ाई की शिक्षा इंग्लैंड के एरिल गिल से प्राप्त की। ठीक है, से प्राप्त की। चलिए अब इस सबको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? तो वो है खास्तगीर। ठीक है, तो किस विषय में? कला विषय में। ठीक, कौन सी डिग्री? परास्नातक डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। ठीक है, ठीक, प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो वो थे खास्तगीर। ठीक है, कौन थे? खास्तगीर। कला विषय, आपसे पूछा जा सकता है कि कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो आप कहेंगे खास्तगीर। ठीक है, खास्तगीर कला की शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो खास्तगीर कला की शिक्षा के लिए म्यूनिक गए थे। कहाँ गए थे? म्यूनिक गए थे। ठीक, खास्तगीर दून स्कूल देहरादून के क्या नियुक्त हुए थे? प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे। ठीक है, क्या नियुक्त किए गए थे? प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे। और कब नियुक्त किए गए थे? तो ये 1935 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, कब? 1935 ईस्वी में। ठीक, चलिए, वर्ष 1934 ईस्वी में खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी, ठीक है, प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर? इंडिया सोसाइटी लंदन में आयोजित हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो इंडिया सोसाइटी लंदन में आयोजित हुई। कब हुई? तो 1934 में हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। खास्तगीर मुख्य रूप से क्या थे?
ये मूर्तिकार थे, मैंने आपको पहले ही बताया व्यवसाय में कि ये मूर्तिकार थे, ठीक, मगर और साथ ही साथ क्या थे, चित्रकार भी हैं, ठीक ठीक तो खासकर मुख्य रूप से क्या थे, मूर्तिकार थे और क्या साथ में क्या थे, ये चित्रकार भी थे, ठीक है। चलिए, वर्ष 1937 ईस्वी में, ठीक है, सुधीर रंजन खास्की ने किसकी कांस्य कढ़ाई की शिक्षा किससे प्राप्त की, इंग्लैंड के कौन थे, एरल गिल से प्राप्त की थी, ठीक है। तो कब, वर्ष 1937 ईस्वी में किसने, खास्की ने किसकी शिक्षा कांस्य कढ़ाई की, यानी कांस्य की जो कढ़ाई होती है उस, मतलब कांस्य के माध्यम से जो कढ़ाई की जाती है उसकी शिक्षा किससे, इंग्लैंड के एरल गिल से प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ना। चलिए लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खास्तगीर को, किसको, खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज ऑफ ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट आपका कहाँ, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में 1956 से लेकर इतना 1956 से लेकर 61 तक क्या हुए थे, प्राचार्य नियुक्त हुए, ठीक, क्या हुए, प्राचार्य नियुक्त हुए। चलिए इस पॉइंट को समझ लेंगे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसको, खास्गीर को, कहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, ये आपका है कहाँ, लखनऊ में, ठीक ठीक, कहाँ पर, लखनऊ में, कब, 1956 से लेकर 61 तक ये क्या नियुक्त किए गए, यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त किए गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुधीर रंजन खास्गीर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य कब से कब तक रहे, तो आप बोलेंगे 1956 से लेकर 61 तक, ठीक है ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में लिख लेंगे, इसी में ऐड कर देंगे, इस कॉलेज की स्थापना, किस कॉलेज की स्थापना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना, ठीक है, इस कॉलेज की स्थापना, इस कॉलेज की स्थापना हुई है कब, 1911 ईस्वी में हुई है, ठीक, किस में, 1911 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1911 ईस्वी में हुई थी, ठीक, कहाँ पर हुई थी, लखनऊ में हुई थी। तो किसकी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई, तो 1911 में हुई, कहाँ हुई, लखनऊ में हुई। चलिए अभी नोट पॉइंट लिखेंगे, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, तो हम पहले पॉइंट लिखेंगे, सुधीर रंजन खास्गीर से पूर्व, सुधीर रंजन खास्गीर से पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य प्राचार्य कौन थे, तो प्राचार्य थे ललित मोहन सेन, ठीक है, कौन थे, ललित मोहन सेन, ठीक। चलिए इस लाइन को समझ लेते हैं, सेन थे, ठीक। चलिए
सुधीर रंजन खासगीर से पूर्व, ठीक, पूर्व की बात हो रही है, यानी सुधीर रंजन खासगीर से पहले किसका, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य कौन थे, तो वो थे ललित मोहन सेन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जितने पॉइंट दिखा रही हूँ वो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इनके प्रमुख शिष्यों के बारे में जान लेंगे। ठीक है, किसके प्रमुख शिष्य, सुधीर रंजन खासगीर के। ठीक, तो प्रमुख शिष्य कौन कौन है, प्रमुख शिष्य हैं, चलिए, मदन लाल नागर, कौन है, मदन लाल नागर। ठीक है, पहले ये हो गए, रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट, और कौन है, अवतार सिंह पवार। ठीक है, अवतार सिंह पवार। ठीक है, तो इन किसके प्रमुख शिष्य हो गए, ये सुधीर रंजन खासगीर के। तो कौन कौन है, मदन लाल नागर थे, रणवीर सिंह बिष्ट थे, और कौन थे, अवतार सिंह पवार थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक, चलिए, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ष 1957 में, कब, 1957 में भारत सरकार द्वारा में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, खासगीर थे, प्रथम कलाकार खासगीर थे। ठीक है, खासगीर थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोरसो चित्र, कौन सा चित्र है, टोरसो चित्र खासगीर का है, किसका है, खासगीर का है। खासगीर का है जिसे किस माध्यम से बनाया गया, जिसे लिनो माध्यम से बनाया गया है। ठीक, क्या किया गया, बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। खासगीर के मूर्ति शिल्पों पर यूरोपीय कलाकार रोंदा का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक, चलिए तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, कब, वर्ष 1957 ईस्वी में। ठीक, किसने, भारत सरकार ने। ठीक, किसने, भारत सरकार ने, किसको, किस उपाधि से, पद्मश्री पुरस्कार से। ठीक, प्राप्त करने वाले कौन थे, प्रथम कलाकार थे। ठीक, तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, कब, खासगीर थे। ठीक, कब प्राप्त हुआ इन्हें, तो 1957 ईस्वी में। ठीक, चलिए टोरसो चित्र किसका है, तो टोरसो चित्र है खासगीर का। ठीक, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे।
ठीक है। तो टोरसो चित्र किसका है? खासगीर का। ये किस माध्यम से बना है? तो ये बना है लिनो माध्यम से, ठीक है। ये टोरसो चित्र पूछा जाता है, ये टोरसो चित्र पूछा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, ठीक। तो टोरसो चित्र किसका है? खासगीर का। इसे किस माध्यम से बनाया गया? लिनो माध्यम से बनाया गया है। खासगीर के मूर्ति शिल्पों पर, ठीक है, मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो यूरोपीय कलाकार रोंदा का प्रभाव दिखाई देता है। तो खासगीर के मूर्ति शिल्पों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो रोंदा का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों के बारे में जान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रमुख प्रमुख मूर्ति शिल्प, ठीक है, प्रमुख मूर्ति शिल्प। चलिए, प्रमुख मूर्ति शिल्प, ठीक है। तो पहला इनका कौन सा है? माँ और शिशु, ठीक है। कौन सा? माँ और शिशु हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? डॉक्टर ऑफ द सॉइल, डॉक्टर ऑफ द सॉइल, ठीक है, डॉक्टर ऑफ द सॉइल, सॉइल, ठीक है। चलिए, थर्ड कौन सा हो गया? गुरुदेव और बापू, गुरुदेव और बापू, ठीक है। उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट हो गया? तो उसके बाद है आपका नववधु, नववधु, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तूफान में यात्रा, कहाँ पर? तूफान में यात्रा, नेक्स्ट है हमारा अमलतास पर कौए, अमल तास पर कौए, ठीक है, अमलतास पर कौए। नेक्स्ट है हमारा विंटर, ठीक है। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्प, ठीक है। कौन कौन से हो गए? माँ और शिशु हो गया, ठीक है, डॉक्टर ऑफ द सॉइल हो गया, गुरुदेव और बापू हो गया, ठीक है, नव वधु, तूफान में यात्रा, अमलतास पर कौए और विंटर आदि, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको, इन सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सुधीर रंजन खासगीर आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो आप जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा सुधीर रंजन खासगीर के बारे में, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।